डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आयुर्वेद जगत में बहुत दिनों से सेवा करते आ रहा हूँ और रोग के बारे में मैं बताते आ रहा हूँ और बहुत सस्ती औषधि मैं बताता हूँ जो हर जगह जड़ी बूटी के दुकान पर या स्वयं जो है से आप उसे ले सकते हैं। आपको आज मैं पुदीना के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पुदीना एक औषधि है, एक पौधा है। पुदीना जो है एक पौधा है जो आयुर्वेद के ग्रंथ में औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसी के बारे में मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूँ। पुदीना बात और कफ को विकार को नष्ट करता है, बात और कफ को, और इसमें रासायनिक संगठन कार्बोहाइड्रेट खनिज कैल्शियम लोह यानी आयरन विटामिन ए और घुलनशील तेल पाए जाते हैं इत्यादि बहुत से तत्व इसमें पाए जाते हैं। एक पुदीना एक बहुत अच्छा औषधि है और मैं आपको बाह्य प्रयोग बतला रहा हूँ। बाह्य प्रयोग में शरीर में वेदना या दुर्गंध वाला बर्न यानी घाव जो जिसमें से दुर्गंध आता हो उसका इसमें लेप करने से या तेल डालने से आराम मिलता है या अच्छा होता है। और मुख से जो दुर्गंध आता है उसमें इसका सौरभ को लेकर पानी में डालकर कूला करने से मुंह का दुर्गंध नाश होता है। मैं आपको अब अभ्यंतर प्रयोग बतलाने जा रहा हूँ। पाचन संस्थान अरुचि अग्निमांद बमन यानी कै अतिसार यानी दस्त कृमि रोग पेट में जो कृमि होते हैं इसमें इसका चटनी बनाकर इस रोग में प्रयुक्त होता है यानी देते हैं, अच्छा लाभ करता है। कै दस्त के लिए बहुत अच्छा पुदीना एक औषधि है और सस्ता औषधि है। मैं आपको अब रक्तवा संस्थान पर बतलाने जा रहा हूँ। हृदय दुर्बल में हृदय के किसी तरह की कमजोरी में रोग में यह प्रयुक्त होता है। श्वसन संस्थान श्वास में काश में हिका के रोगी को भी बहुत अच्छा लाभ करता है। और आपको मैं आप प्रजनन संस्थान बतलाने जा रहा हूँ। रजोरोध यानी एमसी का न होना या कष्टार्थो यानी कष्ट के साथ एमसी आना और उसमें अच्छा लाभ होता है इसका सौरस देने से। और प्रसूत ज्वर में भी इसका अच्छा लाभ होता है। मैं आपको त्वचा पर भी जितने भी शरीर में त्वचाएं हैं इसमें अच्छा काम करता है या शरीर में विष उत्पन्न हो गया हो या किसी तरह विषैला चीज डस लिया हो उसे भी इसका सौरस देने से नाश होता है। और मैं आपको प्रयोग अंग बतला रहा हूँ। इसका पत्र और फल आपको ज़्यादा अधिकांश पत्र का ही उपयोग होता है यानी सौरस का उपयोग होता है। 5 से 10 ग्राम इसका पत्र का सौरस लेना चाहिए और फंड जो है से 20 से 40 मिलीग्राम लेना चाहिए। और इससे विशिष्ट जो दवा बना है पुदीना अर्क। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट्स एवं शेयर जरूर करें और आप स्क्रीन पर पुदीना का फिगर लगा हुआ है उसे आप पहचान कर सकते हैं। ये समस्त भारत में होता है, पुदीना हर व्यक्ति जानता है और पुदीना एक बहुत अच्छी औषधि है आयुर्वेद जगत का। धन्यवाद।